गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ये हमारा छोटा सा घर जिसमें हम लोग सारे अलग अलग सबके रूम्स बंधे हुए हैं। हम पूरी रात रुके यहाँ पे। कल रात को काफ़ी मस्त इंटरटेनमेंट रहा सबका, बहुत ही अच्छा रहा, और थोड़ा म्यूज़िक भी हुआ और हम लाइव भी थे काफ़ी देर। लेकिन रात को बहुत ठंड लगी थी फिर एक टाइम पे, तो सोते सोते थोड़ा लेट भी हुआ। लेकिन यहाँ आके देखा तो भाई इसमें जैसे लग रहा था पानी गिराया हुआ है इसके ऊपर। तो ये ओढ़ने को दिया गया था तो उसको बिछा लिया, और मेरे पास मेरा अपना स्लीपिंग बैग था। फिर उसमें गए, बिलीव इट वॉज़ लाइक सो गुड, सो नाइस, इट वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल। तो मैं कल भी कह रहा था और आज फिर कहता हूँ कि देखो, इंसान को जीने के लिए ज़्यादा चाहिए नहीं। इस कैंप का साइज़ देख लो, बस इतना सा चाहिए, इससे ज़्यादा क्या, इससे ज़्यादा जीने को नहीं चाहिए। अब अभी यहाँ पे कालचक्र होम स्टे नियर सेंट लिपॉन स्कूल विराम, यहाँ पे रुके थे रात को, और अभी हम जा रहे हैं तवांग। तो तवांग लगभग 3048 मीटर्स अबव द सी लेवल है। तो और हिमालय का वो जो एवरेस्ट देखा जाए वो 8848 मीटर है शायद, तो बहुत छोटा ही है उस हिसाब से, बट स्टिल काफ़ी बर्फीला होने वाला है। और स्पेशली जो ज़िला पास से हम गुजरने वाले हैं, ज़िला इज़ ज़े इज़ पॉइंटेड एंड ला इज़ माउंटेन, सब इसको सेला कहते हैं बट इज़ ओरिजिनली ज़िला। तो वहाँ से हम जो गुजरने वाले हैं वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस आई बिलीव होने का है, क्योंकि दो दिन पहले भी और शायद कल भी यहाँ पे स्नोफॉल की बात हुई है, और बाइकर्स के लिए कहा गया है कि थोड़ा सा संभल के जाइए, कहते हैं और कि 1 बजे के पहले वहाँ से क्रॉस कर लेना, 1 बजे के बाद मौसम का कुछ ठिकाना नहीं, कुछ भी हो सकता है। ज़िला पास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कि अभी ज़िला पास में एक टनल भी बन रहा है, सो दिस इज़ गोइंग टू मेक लाइफ वेरी इजी। वो जो टनल बन जाएगा तो शायद ज़िला पास को अवॉइड करके लोग उस टनल के थ्रू तवांग एंड अहेड जा सकेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग प्रोजेक्ट, यू नो, हमारे देश के हिसाब से देखा जाए इट विल बी अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो अभी तो हमें नहीं, शायद हो सकता अगली बार आए तो हम भी उस टनल से पार हो पाए, लेकिन ये जो किक है ज़िला पास पार करने का बर्फ़ों के बीच से होते हुए, वो किक कम मिस होगा। हाँ, तो आई डोंट नो वेदर मे बी आफ्टर टनल इज़ ओपन शायद ज़िला पास को बंद ही कर दिया जाए, ये दैट वॉन्ट बी ओपन फॉर नॉर्मल पीपल, देन द बाइकर्स विल लूज। होपफुली वी आर अमंग द फ्यू फॉर्चुनेट बाइकर्स जिसको ये मौका मिल रहा है ज़िला पास पार करने का। हमसे पहले वाले बहुत सारे लोग थे जो कि आई बिलीव कि वे आर मोर फॉर्चुनेट, शायद तब रास्ते भी अच्छे नहीं हुआ करते थे, हम तो फिर भी आराम से जा रहे हैं, रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस, सी यू एट तवांग। ऑफ टू तवांग। Rehan, he was taking some shots.
और इस कैमरे के पीछे है ये कौन मतलब बहुत सालों बाद हमने इनर पहना है थर्मोकोट, उसके बाद भी ठंड लग रहा है अंदर से कांप रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ डोसा खाया हमने, डोसा खाने से तो नहीं हो रहा है? डोसा खाने का नहीं पता बट खाने से हो रहा है शायद, एकदम अंदर से हिल गए भाई। जसवंतगढ़ मेमोरियल है या 1962 के वॉर पे है, जसवंत सिंह जी ने अकेले ही 3 दिन तक चाइनीज अग्रेशन को रोक के रखा था। काफी यहाँ पे इनकी कहानी है जो कि काफी हमें जोश प्रदान करता है। साथ में कुछ लोकल दो लड़कियों का भी नाम आता है कि जिन्होंने सपोर्ट किया था एंड 3 दिन तक पूरे लाइक चाइनीज अग्रेशन को 1962 के वॉर पे रोक के रखना कोई आसान बात नहीं थी। तो वी आर लाइक प्राउड ऑफ सच सोल्जर्स इन आवर कंट्री, और एक सिपाही के नाते हमें जरूर हमेशा खुद को भी बहुत प्राउड फील होता है कि हम भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब टावर में आ रहा है श्रीलंका सिटी लेकर होटल अपन न्यूज देख रहे हैं, ये भी न्यूज है। खिरबुज जीरो जगह का नाम है, तमाम 17 किलोमीटर और है, पहुंच ही गए लगभग। हमने रहने के लिए 2-3 जगह बात कर रखी है, कंफर्म कर लेते कहाँ जाना है। फिर गवा टेढ़ा हो गया, रास्ता बीच में बहुत खराब था रास्ता ना, तो ये जम वाला जम।
वहाँ भी वो अच्छा लगा ना, एक जन रास्ते में रुक गए और हमने सोचा भाई क्यों ये बंदा रुक गया, हमसे पूछा आनंद सर कहाँ, आनंद सर इट वॉज नाइस। चलो बढ़िया, वेट टू तवांग, अभी पहुँचने वाले बस थोड़ी देर में, मोनेस्ट्री के गेस्ट हाउस में रहने वाले हम लोग। ठीक है सर, गलत आ गए, तवांग पहुंच गए लेकिन मोनेस्ट्री जाना है तो रास्ता तो पता है नहीं, तो थोड़ा सा गूगल का शायद सहारा ले रहे थे, तो अब पहाड़ों में क्या होता है गूगल कभी कभी गिरा देता है पहाड़ों से नीचे, तो फिलहाल तो चलो रास्ते पे ही है, यू टर्न लेना है आगे इस तरफ में। चलिए मंजिल कह रहा है कि मंजिल को मंजिल मिल गई, फाइनली वी रीच्ड, यहाँ पे हैं अभी देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। आज रास्ता बहुत भूले, आलू जी याद आ गया मुझे, आलू भी गए थे ना हम लोग ऐसे, बट उसमें रास्ता भूले नहीं थे, रास्ता पता नहीं था, यहाँ तो लेफ्ट राइट जाते हुए पूरा पहुँच गए, एक जगह से स्टार्ट किए शॉर्टकट करने के लिए, और शॉर्टकट करके सोचे वहाँ जाएंगे, फिर घूम के वहीं पर पहुँच गए, एंड देन फाइनली यू नो हम आ रहे थे तो रोहन जी मिल गए रास्ते में, रोहन जी लाइक यू नो ही इज टू बी कमिंग हियर, तो समहाउ पहचान के वो हमारी टीम को, एंड ही गाइडेड अस ऑल अलोंग। यहाँ पे ठंड बहुत लग रही है, এইমাত্র আমি আমার স্টে আহি পালো, আজি আমি আছো কি কয় রেহান